वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज आप लोग को बताएंगे काउंटिंग फिगर के बारे में बताएंगे, उसमें सबसे पहला बताएंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स किस किस फिगर में किस तरीके का ट्रायंगल और कितना ट्रायंगल आता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला तो ये नॉर्मल आप लोग को दिख रहा होगा, ये नॉर्मल फिगर आपको नजर आ रहा होगा, ये सबसे नॉर्मल फिगर है। इसमें कितना, अगर आप देखिएगा तो इसमें कितना ट्रायंगल नजर आ रहा है, वन ट्रायंगल नजर आ रहा है। तो इसमें तो नॉर्मल आप बता सकते हैं कि इसमें कितना ट्रायंगल है, तो वन ट्रायंगल, तो इसमें तो नॉर्मल ढंग से बता सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकंड वाला फिगर में, देखिए सेकंड वाला फिगर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें भी आप बता सकते हैं ये वन ट्रायंगल है, ये टू ट्रायंगल है, और आपस में ये पूरा मिला के कितना, टोटल थ्री ट्रायंगल है। लेकिन जब इस तरीके का रहता है तो उसको बताने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, बेस को देखिए। बेस कितने टाइप में डिवाइड हुआ है, टू टाइप में डिवाइड हुआ है बेस, वन और टू। आपस में क्या करना है, इस वन को और टू को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। उसी तरीके से आगे वाला ट्रायंगल देखिए, आगे वाला ट्रायंगल में नंबर ऑफ बेस को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, वन टू थ्री। कितने टाइप में डिवाइड किया, थ्री टाइप में डिवाइड किया गया। थ्री टाइप में जो डिवाइड किया गया है, थ्री टाइप में डिवाइड किया गया, सेम टू सेम उसी तरीके से करना है। वन को ऐड करना है, टू को ऐड करना है, एंड थ्री को ऐड करना है। सबको ऐड करने के बाद कितना आ जा रहा है, सिक्स ट्रायंगल। पूछा जाएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में कितना आएगा, सिक्स आएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट फिगर में आप इसको आसानी से जवाब दे सकते हैं, इसमें कितना टोटल हो जाएगा, वन टू थ्री फोर। अगर पूछ रहा है तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, वन टू थ्री फोर। जब इसको हम लोग करते हैं तो कितना हो जाता है, टेन। फ्रेंड्स एक चीज आप लोग को पता है, ये जोड़ने के बाद क्यों जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद टेन ही क्यों आता है। एक फॉर्मूला आप लोग जाने होंगे, सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। नॉर्मल इतना बड़ा अगर कोई रहता है, बहुत बड़ा दे दिया है, तो उसमें हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे चार पाँच छः सात आठ, इसमें लाइनिंग करके बेस को कम से कम दस टाइप में डिवाइड कर दिया गया, उसका सम निकालने में थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा। तो इसीलिए हम क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, क्योंकि सबका सम होता है। जब इसको हम बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए इसी को लास्ट वाला को देखते हैं कि लास्ट वाला मेरा इस फॉर्मूला पर बैठता है या नहीं बैठता। एन नंबर ऑफ संख्या के, एन की फ्रीक्वेंसी कितना है, फोर है। फिर एन कितना है इसमें, फोर प्लस वन डिवाइड में क्या हो जाता है, टू हो जाता है। फोर तो है, फोर प्लस वन कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो, टू हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लीकेशन करके रखिएगा, ट्वेंटी बाई टू, जब इसको कट करके रखिएगा तो कितना हो जाएगा, टेन के बराबर हो जाएगा। नजर आ रहा है, तो कोई भी कितना भी बड़ा भी फिगर दे दिया जाएगा, उसमें कहा जाएगा इस तरीके से दे दिया जाएगा, उसमें कहा जाएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितना है। तो हम लोग निकालने के लिए बहुत बड़ा भी दे दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, और छोटा तक तो हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं कि कितना इसमें आएगा कितना नहीं आएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब चलिए सेकंड नंबर ऑफ ट्रायंगल में इस तरीके का फिगर आता है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में इस तरीके का फिगर आता है। सेकंड में क्या होता है, सबसे पहले देखना है जो फर्स्ट में किया तो सेम टू सेम उसमें, इसमें भी वही है, बस इसमें फर्क क्या है, एक ऊपर में यहाँ पे लाइन दे दिया गया है, दे दिया गया है। इसका बेस देखिए कितने टाइप में डिवाइड किया गया, वन टू थ्री एंड फोर पार्ट। जब फोर इसका बेस जब होता है, इस बेस का सम यहाँ पे फोर वाला बेस का सम टोटल कितना होता था, टेन होता था। अब फिर देखना है इसको, अब भूल जाना है नंबर ऑफ बेस। अब इस ट्रायंगल में इसके नंबर ऑफ बेस में देखिए कितना है, वन और टू। जब टू और वन यहाँ पे कितना टोटल ट्रायंगल है, थ्री। इसको आपस में जोड़ के ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, थर्टी हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ समझ में आ रहा है, चलिए उसके बाद देखते हैं। ये इस तरीके का एक ट्रायंगल पूछ देता है, ट्रायंगल इसमें पूछ देता है। इसमें तो सिंपल बता देना है कि जितना लाइन ये नजर आ रहा है ना उसको जोड़ देना, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा। पूछा जाएगा इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल थ्री हो जाएगा। कितनों लाइन, कितनों बड़ा बड़ा लाइन, जैसे मान लीजिए आपको ये पूछ दिया गया कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, देखिए तो इसमें जितना लाइन होगा उतना नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, जितना बेस होगा उतना नंबर ऑफ ट्रायंगल, मतलब फाइव टू फाइव नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ पे। अब जानते हैं कि इस पूरा ट्रायंगल पहले लीजिए, इस पूरे ट्रायंगल में बेस कितना है, टू टाइप में डिवाइड किया गया, वन और टू टाइप में डिवाइड किया गया। तो ये कितना हो गया, इसको ऐड करने के बाद थ्री। फिर इसको भी कितने टाइप में, टू टाइप में। इसको ऐड करने के बाद कितना हो गया, थ्री। फिर ये कितने टाइप में, इसका बेस टू टाइप में, इसको भी ऐड करने के बाद थ्री। अब इस सब को आपस में क्या कर देना, ऐड कर देना। ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 3393 3369। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, वो नाइन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में, सब कुछ कुशल होगा। चलिए आप देखिए, अब एक फाइव टाइप का ट्रायंगल आता है, इस टाइप ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल वाला जो टर्म होता है ये किस टाइप का होता है, अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसको गौर से देखिए, सब कुछ नहीं, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल देखिए, ये वन ट्रायंगल है, ये मेरा भी, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, और ये भी एक ट्रायंगल है। अब इसमें अंदर अगर पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, वन टू थ्री फोर, अंदर में फोर हो गया ट्रायंगल।
और एक तो बाहर वाला भी ट्रेंगल है ना, तो मतलब प्लस में वन हो जाएगा, ये कितना हो गया, नंबर ऑफ ट्रेंगल फाइव हो जाएगा। उसी तरीके से इसको याद रखना है कि इस तरीके का ट्रेंगल रहेगा। अब कह रहा है कि इसके अंदर वाला भी ट्रेंगल, सबसे पहले देखना इसमें इसके अंदर कितना ट्रेंगल है, एक के अंदर ये ट्रेंगल है या नहीं, फिर दूसरा ट्रेंगल क्या है, ये भी ट्रेंगल है। अब इसमें अगर सबसे पहले देखना है तो वन 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 टोटल कितना हो जाएगा, फोर तो है, मतलब इसमें तो फोर है। फिर बाहर वाला भी ट्रेंगल को करेंगे तो वन वन वन, ये भी फोर, तो ये भी फोर हो जाएगा, हो गया नहीं। अब इसमें देखिए बाहर से एक ट्रेंगल यहाँ पे एक हो गई है, और इसका एक बाहर से ट्रेंगल इसका एक हो गया, जब आपस में करेंगे तो फोर फोर एट नाइन टेन, टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत, नंबर ऑफ ट्रेंगल तो नॉर्मल हम लोग देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ ट्रेंगल कितना आ जाएगा। ये तो सबसे पहले ये तो यहीं पे कनेक्ट हो गया, इसके फोर के साथ मल्टीपल हो गया, तो नंबर ऑफ इसमें ट्रेंगल कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। एक ही ना एक बाहर वाला ये ट्रेंगल को नहीं काउंट किया गया, इसमें नंबर ऑफ ट्रेंगल कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रेंगल नाइन हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में, चलिए